गुरु है शिक्षा का सागर, गुरु बांटे ज्ञान बराबर। गुरु मंदिर जैसी पूजा, माता पिता का नाम है दूजा। प्यासे को जैसे मिलता पानी, गुरु है वही जिंदगानी। गुरु न देखे जात पात, गुरु न करते पक्षपात। निर्धन हो या धनवान, गुरु के लिए सब एक समान। गुरु चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबको जय जिनेन्द्र। मैं मोना बिरला आपके इस पावन सफर के साथ ही आप सबका भांडपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिष्ठोत्सव के 14वें दिन दिनांक 17 फरवरी की खबरों से। राज्यपाल ने आचार्य श्री को भांडवपुर तीर्थोद्धारक पदवी से अलंकृत किया। जो हुआ पुण्य सम्राट एवं योगी राजश्री के आशीर्वाद से जयरत्न सूरी जी। प्रतिष्ठोत्सव में जिनालय में विधि पूर्वक हुआ 18 अभिषेक। श्री भांडवपुर महातीर्थ में तत्वत्रयी प्रतिष्ठोत्सव का आयोजन पुण्य सम्राट श्री जैन सिंह सुरेश्वर जी मरासा के पटधर द्वय गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सुरेश्वर जी एवं भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा आदि विशाल श्रमण श्रमणी वृंद की शुभ निष्ठा में विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के साथ दिनांक 5 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी कुलदीप प्रियदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुनिराज श्री पुष्पदंत विजय जी महाराज के 28, पुण्य सम्राट श्री जयंत सिंह सूरी जी महाराज के 81वें वर्षीय जीवन पर्याय के अनुमोदनार्थ जिन शासन के इतिहास में प्रथम बार साध्वी श्री कुमुद प्रिया श्री जी की 81वीं अठाइयां, साध्वी श्री आर्य वक्ला श्री जी के 81 अठम एवं साध्वी श्री काव्य रत्ना श्री जी के 69-70वीं वर्धमान तप की ओली का पारना प्रातः 7:30 बजे गुरु भगवंतों की निष्ठा में बाजते गाजते करवाया गया। महोत्सव के 13वें दिन दिनांक 17 फरवरी 2024 को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठानीय में मुहूर्त में प्रभु प्रतिमा, गुरु प्रतिमा आदि बिंबों का अंजन विधान आचार्य भगवंत द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से किया गया। प्रातः महावीर जिनालय में विधि विधान के साथ 18 अभिषेक किया गया। आज तीर्थ दर्शनार्थ कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत पधारे। महावीर जिनालय, गुरु मंदिर एवं समाधि मंदिर के दर्शन कर क्षत्रिय कुंड नगरी में धर्म सभा में पधारे। धर्म सभा में गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सूरी जी महाराज ने मंगलाचरण करते हुए कहा कि राज्यपाल जी की जैन धर्म के प्रति निष्ठा एवं लगन है। धर्म के प्रति आत्मीयता एवं गुरु के प्रति समर्पण से ही आप आज उच्च पद पर पहुंचे हैं। पुण्य सम्राट के प्रति पूर्ण समर्पण एवं श्रद्धा थी। भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सूरी जी महाराज ने कहा कि या तो त्याग करें अथवा भक्ति करें, इन दोनों से व्यक्ति अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। 154 वर्ष पूर्व दादा गुरुदेव ने इस पुण्य भूमि पर अरहम का जाप किया और यहाँ के अधिष्ठायक देव ने इसके पुनरुद्धार की प्रेरणा प्रदान करते हुए निवेदन किया। पूर्वाचार्यों एवं योगीराज पुण्य सम्राट के आशीर्वाद से जो कुछ भी हुआ वह दोनों गुरु भ्राता के कारण हुआ। हम दोनों के द्वारा यह तीर्थ ऊंचाइयों को छुए। महामहिम राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत ने कहा कि इस तीर्थ का कायाकल्प आचार्य श्री जयरत्न सुरेश्वर जी महाराज के कुशल मार्गदर्शन एवं कार्य दक्ष मुनिराज श्री आनंद विजय जी महाराज के परिश्रम से ही संभव हुआ है और उन्होंने गच्छाधिपति श्री की निष्ठा में आचार्य श्री जयरत्न सूरी जी को भांडवपुर तीर्थोद्धारक पदवी से अलंकृत करते हुए अभिनंदन पत्र प्रदान किया। मैं पुण्य सम्राट श्री के आशीर्वाद से कार्य कर रहा हूँ। हमारी संस्कृति विश्व बंधुत्व का संदेश प्रदान करती है और धर्म रक्षा में संतों का बहुत योगदान है। मैं जन्म से नहीं अपितु कर्म से जैनी हूँ। मेरा तो रिश्ता ही जैन समाज से जुड़ा है। भक्ति में शक्ति होती है और आप करेंगे तो समझ जाएंगे। मैं जैन संतों के सानिध्य में आकर पूर्ण व्यसन मुक्त हो गया हूँ। साधु संतों की प्रेरणा से युवा पीढ़ी व्यसन मुक्त होकर एवं प्रेरणा करके समाज एवं देश की सेवा करे तो सारा देश व्यसन मुक्त हो सकता है। कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल जी के कर कमलों से मुनिराज श्री चरित्र रत्न विजय जी की पुस्तक भांडवपुर गीतांजलि एवं
मुनि श्री प्रशम सेन रत्न विजय जी की पुस्तक गुरु गुण गाथा का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में श्री पारसमल जी बालगोता ने माननीय राज्यपाल जी का शब्दों से स्वागत किया। सुप्रीम न्यायालय के अधिवक्ता श्री हर्ष सुराणा ने अपने विचार प्रकट किए। महामहिम राज्यपाल जी के पधारने पर बहुमान के लाभार्थी परिवारों द्वारा उनका बहुमान किया गया। तीर्थ की ओर से आभार श्री धीरज भंडारी ने व्यक्त किया। श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट श्री दत्तत्रेय प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के द्वारा संपादित हुआ। प्रतिष्ठोत्सव में अनेक प्रशासनिक सामाजिक गणमान्य अधिकारियों का भी आगमन हुआ। दोपहर में श्री सिद्धाचल नवाणु पूजा शाह ताराचंद जी चंपालाल जी मीठालाल जी ओबाणी कोशाना की ओर से संगीत की मधुर स्वर लहरियों के साथ पढ़ाई गई। साई कुमार पाल महाराजा की आरती का लाभ संघवी प्रकाश जी गौरव जी छाजेड़ पारा निवासी ने लिया। प्रातः की नौकार श्री शाह बाबूलाल जी धनराज जी डोडिया गांधी मूथा पानथेड़ी। दोपहर की नौकार श्री शाह ईश्वरचंद जी मिश्रीमल जी बंधा मूथा पानथेड़ी एवं साय की नौकार श्री श्रीमती सुमती देवी मनोहरमल जी अंदाणी सुराना की ओर से हुई। आयोजन में प्रभावना शाह राकेश कुमार छगनलाल जी देवीचंद जी बालगोता मैंगलवा की ओर से परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नयनाभिराम अंगरचना शाह वस्तीमल जी केसा जी गुलेच्छा जीवाणा की ओर से एवं प्रभु भक्ति और रोशनी श्रीमती शांति देवी सुमेरमल जी ओबाणी पोषाणा की ओर से हुई। तो ये था 13वें दिन का विवरण। अब जाने से पहले एक बार नजर 14वें दिन पे होने वाले आयोजनों पे। महोत्सव के 14वें दिन दिनांक 18 फरवरी 2024 को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठान निर्मित मंगल गीत मेहंदी वितरण लाभार्थी परिवारों द्वारा आयोजित होगा। दोपहर में श्री गौतम लब्धि महापूजन संगीत की स्वर लहरियों के साथ लाभार्थी परिवार द्वारा पढ़ाई जाएगी। प्रातः की नवकार से दोपहर की नवकार से एवं साय की नवकार से लाभार्थी परिवार की ओर से होगी। आयोजन में लाभार्थी परिवार की ओर से प्रभावना परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नयनाभिराम अंगरचना एवं प्रभु भक्ति और रोशनी भी होगी। गुरु की ऊर्जा सूर्य से अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार, गुरु का सद सानिध्य ही जग में है उपहार, प्रस्तर को क्षण क्षण गड़े मूरत हो तैयार। तो आज का हमारा सफर यहीं तक। तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा की प्रेरणा से चल रहे भाटापुर YouTube चैनल पर एक्मे आईटी सॉल्यूशन जोधपुर की कोऑर्डिनेशन में नाकुड़ा स्टूडियो भीनमाल की वीडियो फुटेज के साथ मैं मोना बिरला आज के लिए लेती हूँ आपसे इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा नई उमंग और नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए भांडवपुर YouTube चैनल के साथ और देखना ना भूलिए तीर्थ के लाइव प्रोग्राम। आपका दिन मंगलमय हो। जय जिनेंद्र।